आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होत आहे? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी मारे गए, भंडारा और बारिश की उपस्थिति में माउली का स्वागत। धर्मांतरण निषेध अधिनियम को वापस लेने के विरोध में आंदोलन। काकती के पास काट सिद्धेश्वर स्वामी जी के वाहन की दुर्घटना, 2 की मौत। आषाढ़ी वारी के माध्यम से सीमा विवाद मुद्दे की जागरूकता। हलाल के माध्यम से हो रहे आर्थिक आक्रमण को रोकने की आवश्यकता। Chennabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आतंकवादियों के घुसपैठ की तैयारी करने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार तड़के जुमागुंडर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें 5 आतंकी मारे गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि ये सभी आतंकवादी विदेशी थे। हाल के वर्षों में पहली बार कश्मीर में इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस और सेना का कहना है कि घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद में मुंह मोड़ लिया है। इसके पहले 13 जून को कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। भंडारा और बारिश की उपस्थिति में माउली का स्वागत। सासवड़ से संत ज्ञानेश्वर की पालखी निकालने की भंडारा और बारिश की उपस्थिति में माउली का स्वागत। सासवड़ से संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकालने की रस्म के दौरान हल्की बारिश हो रही थी। हालांकि उसके बाद तीर्थयात्रियों को फिर से गर्मी और हवा से उड़ी धूल में चलना पड़ा। फिर भी पांडुरंग के दर्शन के कारण पंढरी जाने वाले तीर्थयात्रियों ने हरि नाम का जाप जारी रखा। शाम करीब 5:30 बजे मौली की पालकी बारात मल्हार भगवान के मधुर गीत गाते हुए मल्हार नगर में प्रवेश करती है। जेजुरी कर मौलियों के उत्सव में स्वतंत्र रूप से लिप्त थे। फिर वरुण राजा भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। बारिश की हल्की फुहारे पड़ रही थी। गत शुक्रवार को मौली की पालकी सोहला मल्हार किले में ठहर रही थी। धर्मांतरण निषेध अधिनियम को वापस लेने के विरोध में आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धर्मांतर निषेध अधिनियम को वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले के विरोध में बेलगाम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मठाधीशों स्वामी जी के नेतृत्व में शहर के चन्नमा सर्कल से समाहरणालय तक भव्य पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य निषेध अधिनियम को वापस लेने के निर्णय के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेलगाम के चन्नमा सर्कल पर धरना दिया। शनिवार को कलेक्टर को बयान दिया। उत्तर कर्नाटक के हिंदू परिषद अध्यक्ष डॉक्टर एस आर रमन गौड़ा, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्रीकांत कदम, कृष्णा भट्ट, मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल, शरद पाटिल सहित बड़ी संख्या में हिंदू भाई बहन और वकील इस समय शामिल थे। काकती के पास कड़ी सिद्धेश्वर स्वामी जी के वाहन की दुर्घटना, 2 की मौत। धर्मांतरण निषेध अधिनियम को निरस्त करने के खिलाफ बेलगाम में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बेलगाम आने वाले कड़सिद्धेश्वर मठ कड़सिद्धेश्वर स्वामी जी की कार काकती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि स्वामी जी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस बारे में और जानकारी यह है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा बेलगाम में धर्मांतरण निषेध अधिनियम को रद्द करने के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कड़सिद्धेश्वर मठ के कड़सिद्धेश्वर स्वामी जी बेलगाम आ रहे थे। पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर काकती गांव के पास कंटेनर से स्वामी जी की कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्वामी जी के 2 सेवक मारे गए। दोनों नौकरों के शवों को बीम्स मॉर्चरी में रखा गया है और उनके नाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। घटना काकती थाने में दर्ज कराई गई है। आगे की जांच चल रही है। आषाढ़ी वारी के माध्यम से सीमा विवाद मुद्दे की जागरूकता। पंढरी के विठुराया की धारा से लाखों श्रद्धालु पंढरपुर की ओर निकल पड़े हैं। इस युद्ध में सीमा क्षेत्र के हजारों भाई शामिल होने जा रहे हैं।
वही महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने सीमा मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने की पहल की है ताकि महाराष्ट्र से वहां आने वाले भाई उनका दर्द समझ सके। आज आषाढ़ी वारी में युवा समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया और मौलीचारी सीमा विवाद का जल्द समाधान करने की मांग की, साथ ही जन जागरण भी किया। इस अभियान में युवा समिति के अध्यक्ष अंकुश केसरकर, महासचिव श्रीकांत कदम, उपाध्यक्ष राजू कदम, संतोष कृष्णाचे, आनंद पाटिल और बेलगाम के वारकरी भी शामिल हुए हैं। हलाल के माध्यम से हो रहे आर्थिक आक्रमण को रोकने की आवश्यकता। मुसलमान हलाल जिहाद के जरिए हर क्षेत्र और कारोबार पर कब्जा कर रहे हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष एवं स्वातंत्र्यवीर सावरकर के पौत्र श्री रंजीत सावरकर ने किया। वह श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में विश्व हिंदू राष्ट्र महोत्सव यानी 11वें हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अधिवेशन में देश विदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों से 312 से अधिक हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के अवसर पर देखा गया कि पूरे देश में ट्विटर पर हैशटैग के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। सम्मेलन का सीधा प्रसारण हिंदू जन जागृति समिति की वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल से भी किया जा रहा है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला घोड़से नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है। जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है, मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो, आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000 अधिक स्थळे उपलब्ध, कर्नाटक महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम ने शनिवार को ज्योति कॉलेज में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया। इसे युवाओं का अच्छा रिस्पांस मिला है। सभा में 50 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न विभागों में अपने कर्मचारियों के लिए युवाओं को अवसर प्रदान किया। सभा का शुभारंभ कार्यक्रम के साथ किया गया। उस समय पौधे को जल देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रोटरी गवर्नर वेंकटेश देशपांडे, कॉलेज प्राचार्य SN पाटिल, रोटरी वेणुग्राम के अध्यक्ष उमेश रामगुरवाड़ी, पूर्व अध्यक्ष DB पाटिल, गतिविधि के समन्वयक निखिल चौगुले उपस्थित थे। गणमान्य लोगों ने विद्यार्थियों को बधाई दी। स्पेक्ट्रम ग्रुप के प्रतिनिधि शिवानंद पाटिल ने रोजगार मेले में भाग लेने वाली कंपनियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रोफेसर योगेश देसुरकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। किनिये ग्राम पंचायत के समक्ष श्रमिकों का आंदोलन। किनिये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बहादुरवाड़ी गांव के मजदूर नवनिर्माण संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन किया। श्रमिकों के शिकायत की योजना की महिला कर्मचारी काम देने में आनाकानी कर रही है। उसके लिए सरकारी योजना के तहत रोजगार के लिए जा रही महिलाओं के समूह ने पंचायत के समक्ष अपनी सामग्री प्रस्तुत की थी। नियोजित श्रमिकों का यह समूह किन्हीं कारणों से पंचायत के काम से वंचित था, जिसके कारण मजदूर नवनिर्माण संस्था के कार्यकर्ता राहुल पाटिल के साथ महिलाओं ने पंचायत में तब तक धरना दिया जब तक कि उन्हें पंचायत से उचित जवाब नहीं मिला। पंचायत में उपस्थित महिलाओं ने तुरंत काम की मांग की। खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में पदाधिकारियों का इस्तीफा। महाराष्ट्र एकता समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष गोपाल राव देसाई की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस पर जोरदार चर्चा हुई और बिना नाम लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र एकता समिति के प्रत्याशी की हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र एकता समिति के पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सभी इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं और अगले सप्ताह समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया और अगली बैठक बुलाने का अधिकार पूर्व अध्यक्ष मारुति राव परमेकर को दिया गया। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष गोपाल राव देसाई ने की। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर विचार करने के लिए शिव स्मारक में बैठक बुलाई गई थी। प्रारंभ में अध्यक्ष यशवंतराव बिरजे ने परिचय एवं स्वागत किया। इनरविल क्लब द्वारा ग्रामीण छात्रों को रेनकोट का वितरण। बेलगाम के इनरविल क्लब की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को रेनकोट वितरित किए गए। यह कार्यक्रम खानापुर तालुका के लोंधा में आयोजित किया गया था। इस स्थान पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से छात्रों को स्कूल पहुंचने के दौरान बारिश का सामना करना पड़ता है। ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा के लिए इनरविल क्लब ने रेनकोट गिफ्ट कर छात्राओं को राहत दी है। उक्त उपहार हाल ही में वितरित किया गया था। इनरविल क्लब के सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे और ग्रामीणों ने क्लब के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत 8 जुलाई को खानापुर कोर्ट में होगी। जिला विविध सेवा प्राधिकरण बेलगाम और तालुका विधि सेवा समिति खानापुर उनकी ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 8 जुलाई 2023 को खानापुर स्थित JNFC कोर्ट में लगाई जाएगी। यह जानकारी सीनियर सिविल जज
और जेएनएफसी कोर्ट की जज जरीना ने आज बुलाकर प्रेस वार्ता में दी। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रधान दीवानी न्यायाधीश श्री सूर्य नारायण एवं अपर दीवानी न्यायाधीश श्री वीरेश हिरेमठ एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ईश्वर घाड़ी उपस्थित थे। कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण राज्य के सभी अदालतों और इलाकों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनता और वादियों के लिए अपने पूर्व दावों और लंबित अदालती मामलों को जल्द से जल्द हल करने का यह एक सुनहरा अवसर है। स्कूल कैबिनेट का चुनाव ईवीएम से कराया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड मराठी हाईस्कूल का कैबिनेट चुनाव इस शैक्षणिक वर्ष के लिए उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। मोबाइल फोन पर ईवीएम ऐप के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का बारीकी से पालन किया गया। अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग कर सही छात्र प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। हारे हुए प्रतिनिधि ने खेल भावना से परिणाम को स्वीकार किया और खुशी के माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इस अवसर पर सभी शिक्षकों ने और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने स्कूल के प्रिंसिपल गावड़े के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।